नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर। मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण फल के औषधीय गुणों की जानकारी के बारे में अपने अनुभव शेयर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मैंने आपके समझ में आने की दृष्टि से वह ज़्यादा फायदा हो सके इसलिए इसे कई पार्ट्स में विभाजित किया है, जिससे आपको सभी रोगों को सिर्फ इस एक फल से ही आप कैसे उसको रोक सकते हो, कैसे आप बचे रह सकते हो के बारे में भरपूर जानकारी मिल सके इसलिए ऐसा किया है। आप प्लीज इसके सभी पार्ट्स को ध्यान से अंत तक जरूर से देखना। हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण कहावत बहुत ही मशहूर है, एक अनार सो बीमार, अर्थात अनार एक ऐसी बेजोड़ नैसर्गिक प्राणवान औषधि है जो हर मर्ज की दवा हो सकती है। इसके सेवन से कई विभिन्न तरह की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तो इसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाए, फिर चाहे वो असाध्य ही क्यों ना हो, सभी लोग इन्हें सबसे पहले अनार का सेवन करने की ही सलाह देते हैं। डॉक्टर्स भी शारीरिक व मानसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए या ट्रीटमेंट के बाद स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए व्यक्ति को अनार का सेवन करने की विशेष सिफारिश करते हैं। अनार दीर्घ व स्वस्थ जीवन हेतु औषधि के साथ साथ एक पैक्ड बंद टॉनिक व उत्तम आहार भी है। अनार का वृक्ष प्राय 8 अथवा 10 फुट से अधिक ऊंचा नहीं होता। इसकी पत्तियां छोटी तथा हरे रंग की होती हैं। इसके फूल अति शोभायमान, जो पीले, लाल व कुछ पौधों के फूल सफेद भी होते हैं। इन फूलों को गुलनार कहा जाता है। प्रतिरोपण के लगभग 4 वर्ष पश्चात ही अनार का वृक्ष फल देना आरंभ करता है, जो सेवन करने योग्य होता है। अनार में फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट केमिकल्स, मतलब पौधों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स जो पशु आधारित खाद्य पदार्थों से भी मिलते हैं की तरह ही होते हैं, वो अनार में मिलते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे गुड हेल्थ के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे शरीर पर डायरेक्ट होता है। इसमें वैसे कोई एनर्जी नहीं होती, परंतु ये सुपर एनर्जी फूड हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के हमारे द्वारा लिए गए एनर्जी फूड्स को एनर्जी में बदलने में बड़े माहिर होते हैं। अनार में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी तो होता ही है, साथ में इसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड यानी फॉलेट व ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स और खूब सारा फाइबर होता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से फलों में अनार का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आता है। अनार के छोटे छोटे इन दानों में जो रत्न के समान लाल कांति वाले और सुंदर दिखने वाले होते हैं, में रस भरा होता है जो अत्यंत ही स्वादिष्ट व मधुर होता है। परंतु आपको ये जानकर विश्वास ही नहीं होगा कि अनार ही एक ऐसा फल है जो स्वयं तो औषधीय गुणों की खान है ही, साथ में इसके बीज और छिलके भी औषधीय रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ औषधीय उपयोग के बारे में चर्चा करता हूँ। यदि मैं सबसे पहले फीमेल की समस्याओं के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह उनकी आम समस्या है और वह इसको शर्म के मारे बता नहीं पाती है। वह यह है कि यदि किसी कारणवश वेजाइना से सफ़ेद रंग का स्राव होता हो, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती हो, बार बार मुंह सूख जाता हो, सिर तथा कमर में दर्द होता रहता हो और इसी के चलते पैरों में कमजोरी लगती हो, रक्त की कमी यानी चेहरा पीला व कांतिहीन नजर आ रहा हो, भूख नहीं लगती हो, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स व गड्ढे पड़ने लग गए हो, सिर चकराता हो आदि समस्याएं अगर हो रही हो तो हमें समझना चाहिए कि यह लुकेरिया हो सकता है। यदि आप इसे पूर्ण रूप से दूर करना चाहती हो तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक मुट्ठी चावल और 2 छोटे चम्मच अनार के छिलके का पाउडर, 2 ग्लास साफ पानी में
इसको उबाल लें। जब यही उबलकर एक चौथाई पानी शेष रह जाए तो छानकर पानी में थोड़ी सी मिश्री या शहद स्वाद अनुसार मिलाकर सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें। चाहें तो इसमें सफ़ेद चंदन का चूरा भी मिला सकते हैं। कुछ दिन प्रतिदिन ऐसा करने पर यह ल्यूकेरिया ही नहीं बल्कि वेजाइना की कोई भी इचिंग, इरिटेशंस, इस इन्फेक्शन हो तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अनार का सेवन जरूरी होता है। इसे अगर प्रेगनेंसी का सुपर हीरो कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड यानी फॉलेट होता है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का खतरा कम हो जाता है, गर्भपात के खतरे को कम कर देता है। साथ में फॉलिक एसिड भ्रूण का प्राकृतिक रूप से विकास करने में भी मदद करता है। यह न्यूरल ट्यूब की रक्षा करता है, जिससे भ्रूण में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड विकसित होता है। यह स्पाइना बीफीडा जैसी बीमारियों से रक्षा करने में भी मदद करता है। इस बीमारी के कारण शिशु में स्पाइनल कॉर्ड का विकास नहीं हो पाता है। यह प्री मेच्योर डिलीवरी के खतरे को भी कम करता है, इसलिए हमें अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, परंतु आप डॉक्टर की सलाह लेकर ऐसा जरूर करें। ऐसे ही अनार के सेवन से आयरन की कमी पूर्ति हो जाती है, जो याददाश्त की प्रक्रिया को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर की मदद करता है। इसकी कमी से ब्रेन की संवेदनशीलता कम हो जाती है। यदि किसी कारणवश चाहे तो वह भोजन में पौष्टिक तत्व की कमी से हो या फिर मेनोपोज से पहले होने वाली हैवी ब्लीडिंग की वजह से हो, महिलाओं में आयरन का लेवल कम हो जाता है, भले ही उसमें खून की कमी ना हो। यदि आपको शक है कि आपके रक्त में आयरन का लेवल कम है तो आप अपने डॉक्टर से फेरिटिन टेस्ट करवाने का आग्रह कर सकते हैं। आपके खून में अगर आयरन की थोड़ी सी भी कमी होगी तो भी इस ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए आपको अनार का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, यह आयरन की भरपूर पूर्ति कर देता है। नमस्कार।